हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ये हम ऊपर बैठे हुए थे ना, तो कुछ पल याद आ गए थे, तो ऐसे साइड में स्टूडियो में बैठ गए थे। हाँ, पे इसके पापा कल रात में कर रहे थे, मतलब भाप ले रहे थे इनको, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा था। हालांकि सर्दी तो नहीं है इनको, मतलब डॉक्टर से चेकअप कराया था जब ये गए हुए थे ना, तो डॉक्टर ने बोला सर्दी नहीं है, पर एक बार भाप ले लेना। और मतलब बाबू भी देवू भी आने जाने को कर रहा था, और ये देखिए कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दम घुटने लगता है ना जब हम भाप लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप भाप ले लो, डॉक्टर से पूछ के ही लिया था भाप, हमने बिना डॉक्टर एडवाइस के नहीं लिया था भाप, जिसमें इनको अच्छा लगेगा। और मैं बाबू को बाहर भगा रही थी, कल रही थी, कुछ अनहोनी हो गई इस वजह से। और ये कल मेरा दूसरे दिन का था, वो वीडियो मेरा रात का था, शाम को उन्होंने भाप ली थी। तो मैं ये चावल बॉयल करके बनाती हूँ इनके लिए, और ये दाल हमारी बन चुकी थी। तो आप लोगों से काफ़ी लोगों रोटियां बन गई थी, आज सब्जी नहीं बनाई है। और ये देखिए एक बार इनको मतलब नाश्ता पानी करा दिया था, और दोबारा से खाना खिला दूंगी, गरम दाल चावल बन रहा है। यहाँ पे चलो इनको चल के देखते हैं, इनको भी खाना लगा दिया था तो ये भी खाना खा रहे हैं। तो अभी लोगों को मतलब खिला पिला दिया है, बाबू को नाश्ता पानी करा दिया, उसको नहला दिया, अभी चावल हो जाए क्योंकि उसको सबसे लास्ट में रखती हूँ जिसमें कि गर्म रहे। तो उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। ये लो चालू हो गया, मस्त हमारा भैया कार्टून देख के खुश रहता है। चलो मैं नहा लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और भी काम कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था, गर्मी टाइप की लग रही थी, इस वजह से मुँह धुल लिया। और वो देवी मैया जी जा भी रही थी, मुझे तो बैक कैमरे से था। और वापस से मतलब नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ करके इसको खाना खिला रही हूँ, क्योंकि फिर मतलब उसको भूख लगाती है, और मैं उसको हर मतलब ध्यान देती हूँ, ज़्यादातर मैं इसको खाना ही खिलाती हूँ। और शाम के शाम दूध इस समय पिला रही हूँ जब से ये बाबू यहाँ पे हैं। घर में तो आपको ही पता है नहीं होता था, तो नहीं पिला पाती थी, पर हाँ यहाँ पे उसका भी ख्याल रख रही हूँ बाबू का। आज है दशहरा और मेरा वीडियो कल जाएगा, तो आपको दशहरा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि सबको ही पता है कि आज के दिन विजयदशमी है, और आज के दिन रावण को जलाया जाता है, श्री राम जी जलाते हैं, है ना। तो आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, बुराइयों का अंत होता है। तो चलो अब बाहर हमारे यहाँ भी जो मतलब जहाँ दुर्गा जी रखी थी वहाँ पे भी आज जलाया जाएगा रावण, तो देखेंगे। और अभी बस इसको थोड़ा बहुत खाना खिला दिया है, दोबारा से दाल चावल गरम गरम बना रही, तो मैंने सोचा अभी नहा कर आई हूँ पूजा पाठ की, मैंने कहा सबसे पहले इसको खिला दूँ, क्योंकि इसके सोने का टाइम फिर हो जाता है ना, पता है बच्चे तो कितना परेशान करते हैं। फिर मैं बाकी का अपना काम करूँगी, तो आप मेरी वीडियोज़ के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। मतलब कुछ राशन मंगवाना था, जो कि सच में कुछ भी नहीं था। आज देखा आटा चावल जो भी था, तेल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो मैं वो राशन ही लिख रही थी मतलब क्या क्या हमें मंगाना है। तो यहाँ पे अभी हम मतलब इतना ही मंगा रहे थे जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मंगा रहे क्योंकि महंगा भी आ रहा है इस वजह से। ऊपर कपड़े भी उठाने आए हैं और ऊपर टहलने भी आए, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब नीचे मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। देखो कितना बड़ा पंडाल लगा है, गुरुद्वारा मैरिज हॉल है ना, ये वो मैरिज हॉल है गुरुद्वारा, और इतना बड़ा पंडाल, ये करीब आज से 3 दिन पहले से मतलब सज रहा है। और
रहा सच में, इतना बड़ा पंडाल देख के लग रहा। अब पता नहीं मैरिज हो रही कि क्या फंक्शन है, पर ये मैरिज गार्डन है। फिर शाम को दोबारा से मैं किचन में लग गई थी और लौकी की सब्जी बना रही थी जो कि उबाल करके बनाऊंगी। और सच में हम लेडीज़ के ज़्यादातर, जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया होगा कि आज मैं मतलब मेरी मम्मी से बात हुई थी, क्या बात हुई थी, मतलब आप लोगों से पहले कभी शेयर नहीं किया। और अचानक से तो मेरी मतलब अचानक से उनका फ़ोन आया था, पूछ रही थी तबीयत के बारे में। तो मतलब मुझे आज अच्छा लगा कि हाँ मतलब बहुत दिनों बाद मेरी मम्मी से बात हुई। तो आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी और हम जल्दी खाना खा लेते हैं 8 बजे तक, जिसमें कि होता रहा है। और मैंने प्याज भी आज वो देखी काट ली थी, जिसको भी मैं धुलूंगी, प्याज काट के भी मैं धुलती हूँ, और आटा भी छान के मतलब यूज़ कर रही थी। तो इनको एक तरफ बनाते जाऊँगी और देते जाऊँगी। और ये करीब शाम का वक्त है, मतलब कि सारा काम हो गया। तो मैं सोचा आप लोगों से, मतलब आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मेरी माँ अब तक क्यों नहीं आई और मतलब क्या कारण है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं थोड़ी सी नाराज़ भी थी, पर ठीक है, आज मेरी माँ से जब बात हुई तो मुझे अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद फ़ोन आया है, समझ लीजिए बहुत ही दिनों बाद फ़ोन आया है। और आज मैं आपको जो बता रही हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अब आप हमारी फैमिली हैं। और काफ़ी दिनों मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था जब मेरे हस्बैंड की मतलब तबीयत ख़राब थी, और आज भी आप लोगों से शेयर इसलिए। पता है मेरी माँ क्यों नहीं आई थी या फिर उनके मतलब क्या कारण है और भी जो कारण है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे यहाँ ना मतलब 3 गाय हैं, जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया था, आई थिंक वो वीडियो भी आप लोगों से शेयर किया था। और मतलब 3 गाय हैं, और 3 गाय में जो मतलब उनका दूध होता है उन्हीं से बेच के या मतलब थोड़ा बहुत हमारे घर का मायके का गुजारा होता है। और मेरे पापा माली हैं, और मतलब जो मेरा मुझसे बड़ा है भाई है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। मतलब उसको 3-4 साल नहीं, शादी के बाद 2 साल हो गए समथिंग, तब से वो मेंटली डिस्टर्ब है अचानक ही। तो उस वजह से ही मतलब मम्मी को घर में रुकना होता है। और जो मेरा एक भाई और है, थोड़ा वो पैर से मतलब चल नहीं पाता है, अभी कुछ समय पहले ही वो मतलब छत से गिर गया था, उसको भी 3-4 साल हो गए। उसमें से ये सारी प्रॉब्लम है। और फिर गाय को देखनी होती है, मतलब जो 3 गाय हैं और जो घर में मतलब मेंटली है वो भाई, उसकी भी मतलब देखभाल करनी होती। इस वजह से मेरी मम्मी नहीं आई थी। और जो कहीं ना कहीं नाराज़ थी वो तो ठीक ही है, पर समझ में मतलब मुझे भी नहीं आता कि ये सब मतलब, और फिर मैं भी ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी क्योंकि मैंने भी पहले भी नहीं दिया था वो, मतलब ना मेरे मायके वालों को दिया था और ना ही मैंने अपने ससुराल वालों को दिया था, है ना। और आज उनसे बातें करके मतलब मेरी आँख भर आई थी कि इस समय भी मैं जितना अपने आप को अकेला फील कर रही हूँ। आप लोगों से तो बातें शेयर करती हूँ, और जो एक होना चाहिए आप समझ सकते हैं। अभी भी मैं पूरे तरीके से ठीक नहीं हूँ, मेरी मम्मी इस वजह से कहीं भी आ जा नहीं सकती हैं, इसलिए मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं किसी मतलब उनको परेशान करूं। और सच में, और आज मेरे पापा से भी बात हुई थी, तो उनसे ही बात करके मतलब थोड़ी ही बात हुई थी तो अच्छा लगा था। और वहाँ से यहाँ तक आने में ही काफ़ी खर्च हो जाता है, मतलब काफ़ी किराया लग जाता है, मतलब एक बार का टिकट का आने जाने का समझ लीजिए 1200 रुपये होना चाहिए, तो एक जन का है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती। और जैसा ठीक है, जैसा उनका चल रहा है मेरे मतलब घर में, तो मैं सोच रही थी कि परेशान ना करूँ करके,
और होता है जब मेरी मम्मी को लगता है कहीं से, तो वो आस पड़ोस में किसी की ऐसे ही मेरी वीडियो देख लेती है जब मम्मी, और आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें शेयर करूँगी। तो यही है सब मेरे घर का, क्यों नहीं आना चाहती। अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और अभी देखते हैं, नीचे जाएंगे फ्लैट में जहाँ पे दुर्गा जी थी ना, वहाँ पे देखेंगे हम दशहरा, मतलब रावण चल रहा कि नहीं चल रहा। और ये राशन आ चुका था जो कि अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि मैं इनको भरूँ। ये मुरमुरे वगैरह और भी पैकेट हैं, साबुन वगैरह ख़त्म हुई थी, आटा है, और तो यही सब मतलब मंगवाया है करके। तो देखूँगी अब इनको कल पैक। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। कल मिलूँगी आपसे, बाय बाय।